नमस्कार। अभी तक अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते रहे हैं तो जब भी आपके किसी सोशल मीडिया ऐप पर कोई मैसेज आता है तो आपको उस मैसेज को ओपन करके उसे पढ़ना पड़ता है, जिसके बाद ही आप उस मैसेज को देख सकते हैं। लेकिन कई बार जब आपके पास समय नहीं होता तब आप ऐसा नहीं कर पाते और मैसेज नहीं पढ़ पाते। आपको फेसबुक मैसेज पढ़ने के लिए ऐप को खोलना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका स्मार्टफोन ही आपके मैसेज पढ़कर आपको सुना दे तो तब कैसा रहेगा? अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जहाँ दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं तो वीडियो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले करना है गूगल प्ले स्टोर में जाकर T2S टेक्स्ट टू वॉइस रीड अलाउड नाम का ऐप इंस्टॉल कर ले। उसके बाद अब आपको ऐप में लेफ्ट की तरफ से ऊपर दी गई 3 लाइन पर टैप करके ऑप्शन में जाए। इसके बाद सबसे नीचे के सेक्शन में दिए गए सेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले और फिर सेटिंग पर जाने पर सबसे ऊपर स्पीच इंजन दिखाएगा। अगर स्मार्टफोन में कोई स्पीच इंजन नहीं है तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन इंस्टॉल कर ले। अब आपको स्विच लैंग्वेज सिलेक्ट करने पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब नीचे से दूसरे नंबर दिए गए कॉपी टू स्पीच ऑप्शन को टैप करें। अगला विंडो खुलने पर नीचे दिए गए टॉगल को राइट साइड पर कॉपी करें, टू स्पीच सेटिंग को ऑन कर दे और फिर इसके बाद बाहर निकल जाए। इसके बाद जिस भी टेक्स्ट को सुनना है उसे आप कॉपी कर ले। टेक्स्ट कॉपी करते ही मोबाइल की स्क्रीन पर राइट साइड ऐप का एक आइकन दिखाई देने लगेगा। इस पर क्लिक करते ही टेक्स्ट टू वॉइस रीड अलाउड ऐप कॉपी हो गया और पूरा कंटेंट पढ़कर सुना देगा। जहाँ दोस्तों, आपका ऐप मैसेज रीड करे बिना भी ऐप भी और व्हाट्सएप में मैसेज पढ़कर सुनाएगा। ये बेहद सिंपल है प्रोसेस। जहाँ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए, गैजेट की खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐप भी और व्हाट्सएप में से ज़्यादा आप किसका यूज करते हैं।